दो दिन बंद रहेंगे बैंक, पड़ सकता है अपने काम पर असर। SBI समेत देश के तमाम सरकारी बैंकों में रहेगी हड़ताल। सरकारी सेक्टर के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते 15 मार्च और 16 मार्च को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और लोन मंजूरी जैसी सर्विस सेवा पर भी असर पड़ सकता है। 9 बैंक यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने दावा किया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में कामकाज पर असर पड़ सकता है। हड़ताल खत्म होने के बाद पुनः सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे, साथ ही प्रतिदिन की तरह काम शुरू हो जाएगा। बैंकों ने यह भी बताया है कि वो बैंक शाखाओं और कार्यालयों के कामकाज सामान्य रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। की गई थी बजट में प्राइवेटाइजेशन की घोषणा। बजट 2021 यानी कि पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। हालांकि इस घोषणा के चलते कई बैठक हुई जो बेनतीजा रही। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन के महासचिव CH वेंकट चलम ने कहा कि 4, 9 और 10 मार्च को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठकें बेनतीजा रही, इसलिए हड़ताल होगी। देखिए कौन कौन सी यूनियनें हड़ताल पर रहेंगी। UFBU के सदस्यों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि शामिल है। इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स भी हड़ताल पर शामिल हैं। बैंकों का हो चुका है मर्जर। केंद्र सरकार साल 2019 में ही LIC में IDBI बैंक का हिस्सा बेच चुकी है। इसके साथ ही पिछले 4 सालों में 14 सार्वजनिक बैंकों का मर्जर किया है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं, उसके बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। 2 बैंकों का निजीकरण इस साल प्रस्तावित है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।